ये है 2013 के यूपीएससी के नहीं, एक बात ध्यान में रखें, जब भी सीएचओ कोने पे हो इसका मतलब है एल्डिहाइड ग्रुप होगा, ये बात तो कन्फर्म। इस कार्बन के साथ आगे CH3 है लेकिन तीन नहीं दो है, तो इसका मतलब है एक तो CH3 ये ब्रांच की सूरत में हो जाएगा। मेरे भाई एक ब्रांच हुआ तो आखिरकार ये BR कहाँ जाएगा? BR भी इसी कार्बन से अटैच होगा यहाँ पे, तो आगे क्या ये C और C आपस में अटैच है? बिल्कुल है। और इस तरह के स्ट्रक्चर का मतलब कहेंगे वो यहाँ पर है, तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है। एल्डिहाइडिक ग्रुप में जहाँ ये एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है ये हमेशा पहला कार्बन होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है। तो सेकंड वाले कार्बन पे ब्रोमो भी है और मिथाइल भी है, गौर से देखें सेकंड वाले पे, तो टू ब्रोमो टू ही मिथाइल और तीन कार्बन की चेन है, तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। यहां वाले में देखें गौर से कि ये CH3 थेराइज है, ये बात मैंने रिपीटेडली की है, अभी भी कह रहा हूं कि जब CH3 थेराइज है तो इससे पहले वाले कार्बन के साथ इसका मतलब ये तीनों CH3 है। अब ये COOH का मतलब हमेशा होता है हमारे पास ईस्टर, यानी ये जो एक ऑक्सीजन बॉन्ड है ये डबल के सूरत में होगा यहां। अब यहां से पहले जितने ये OH के तौर पे हो, CH2 3 का मतलब है कि तीन हो गए और चौथा ये, यानी चार कार्बन और एक बल्कि ये भी है, तो चार नहीं हम इसे पांच कहेंगे। पांच कार्बन वाला कहलाता है पेंटानोएट। यहां पर गौर से देखें एक है, दो है, तीन है, सेकंड वाले पे मिथाइल ग्रुप, तो क्या हम इसे टू मिथाइल कहेंगे? नहीं भाई, अब ये जब चार के साथ अटैच है, देखिए इधर भी है कार्बन, इधर भी है, इधर भी और इधर होगा, तो इसको नाम देते हैं टर्शियरी। ये स्ट्रक्चर कहलाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल पेंटानोएट। इधर देखिए इस स्ट्रक्चर को हम CH3 है हमारे पास और फिर OH है, ठीक है, यहाँ पर OH ग्रुप, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ CH3। ये कहलाएगा 2-methyl 2-hydroxypropanol भी कह सकते हैं, या 2-methyl 2-propanol ज्यादा बेहतर नाम होगा। क्या नाम है? 2-methyl 2-propanol। अब इधर देखें CH मौजूद है इसके साथ,